हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और 31 तारीख से आप लोगों का फॉर्म जो है वो भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के मन में एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या बीएड फर्स्ट ईयर वाले भर पाएंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले भर पाएंगे, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले भर पाएंगे या बीएड वाले भर पाएंगे। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। और दूसरा सवाल सबसे ज्यादा ऐसा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में सवाल होगा सर तैयारी कहां से करें। भाई बीएड तो हमने टॉपर सिंह चैनल से सब कुछ देख दाख के बीएड तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, अब क्या हम लोग सीटेट भी कैसे करें। तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आज जो है आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट वगैरह बिल्कुल सही तरीके से आपको मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। देखो भाई, सीटेट में दो पेपर होता है, एक पेपर वन होता है जो कक्षा एक से पांच के लिए होता है और एक पेपर टू होता है जो छह से लेकर के आठ तक होता है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, बीएड हैं, जेबीटी हैं या आपके स्टेट में जो कुछ भी चल रहा है, जो आपका प्रशिक्षण जो भी चल रहा है आपने, जैसे भाई अलग अलग का चीजें अलग अलग होती है, कहीं बीटीसी है, कहीं बीएसटीसी है, कहीं जेबीटी है, कहीं डीएलएड है, कहीं कुछ है, बाकी बीएड तो पूरे स्टेट में एक ही है। तो अगर आपके पास बीएड है तो आप प्राइमरी में भी भर सकते हो, आप जूनियर में भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना, और साथ ही साथ जो बीटीसी वाले छात्र हैं वो भी प्राइमरी और जूनियर दोनों में भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए, तो आप लोग कल से मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे हो, कमेंट में भी आप मैसेज कर रहे हो कि सर क्या ये बताइए जो बीएड वाले हैं क्या वो प्राइमरी में भर पाएंगे। तो बिल्कुल भर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल प्राइमरी में भी भरिए, जूनियर में भी भरिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए कि क्या सर बीएड जो फर्स्ट ईयर वाले हैं क्या वो अप्लाई कर दें, क्या उनका वैलिड होगा। तो फर्स्ट ईयर तो छोड़िए, अगर आपने कल एडमिशन लिया है ना और सीटेट का फॉर्म आज आ जाता है तो आप आज भी भर सकते हो, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर अब की साल ही एडमिशन लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो और अगर आप पास होते हो तो आपका आजीवन के लिए वैलिड होगा, इस चीज को आपको याद रखना, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, आप तैयारी कहां से करें, तो तैयारी के लिए आपको परीक्षा वीर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। परीक्षा वीर चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए डेली शाम को 7 बजे, वहां पर अभी सीडीपी की क्लास चल रही है। और आपको हम बता दें कि अगर आप सीटेट का पेपर दोगे तो उसमें 75 नंबर आपको पेडागोजी सेक्शन मिलेगा और पेडागोजी जो आपका है वही आपके सीटेट को निकालने में अहम योगदान रखता है। 75 नंबर की पेडागोजी आती है, तो शाम को सीडीपी की क्लास शाम को 7 बजे चल रही है, उसके बाद आपको जो पेडागोजी का टाइम टेबल अलग से बताया जाएगा, पेडागोजी भी हम लोग करेंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जबरदस्त क्लास चल रही है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप कहीं भी जाकर आप उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कहीं नहीं जाना तो यूट्यूब पे आपको डालना है परीक्षा वीर और तुरंत आप जाकर उस चैनल पर पहुंच जाएंगे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल तैयारी के लिए आपको वहां पर जाना है। योग्यता को लेकर के मैंने बता दिया, बीटीसी है, बीएड है, डीएलएड है, जेबीटी है, बीएसटीसी है, कुछ भी है, किसी भी सेमेस्टर में आप हो तो आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हो, वैलिड हो जाएगा। फिलहाल अप्लाई अभी नहीं करना है, 31 अक्टूबर से करना है आपको अप्लाई। तो जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।